मिल जाए सब कुछ ही। मतलब एक बच्चा है जो घर पे रह रहा है, जब उसको वॉशरूम जाने की इच्छा हुई वॉशरूम खुला पड़ा है, जब उसको सोने की इच्छा हुई बेड खाली पड़ा है, पंखा चलाने की इच्छा हुई पंखा चला लिया, और खाने की इच्छा हुई सीधा रसोई में जाकर रोटी उठा के खा लिया, है ना, फिर सोने की इच्छा हुई सो गया, फिर थोड़ा सा जो है ना उठने की रही, थोड़ा टीवी देखने की इच्छा हुई टीवी देख लिया, फिर वापस क्या कंफर्टेबल लाइफ। मतलब मजा नहीं आ रहा इन बातों में सुन सुन के, बड़ा आनंद आ रहा है। ये होनी चाहिए लाइफ, वैसे लगता है आपको ये होनी चाहिए ना भाई, सुबह आराम से उठे और उठ रहे आराम, और ऐसे करते सामने मम्मी खड़ी है चाय नाश्ता, फिर आपने जैसे चाय किया थोड़ा सा है ना, हल्का फुल्का अखबार में स्पोर्ट्स वाला पेज देखा कि भारत ने आज किसको हराया और किसने किसको हराया, है ना, एक आधा जोक वाला देखा तो उसको साइड में रखा, फिर सो गए करके सो गए। उसके बाद 10-11 बजे से उठे, थोड़ा सा खाना वाना राबड़ी रुबड़ी छाछ खाई, फिर सो गए, क्या लाइफ। उसके बाद दोपहर बाद फिर 3-4 बजे उठे, उठते टीवी चालू, बिस्तर में पड़े पड़े आराम से टीवी देख रहे, क्या मजा आ रहा है, है ना। उसके बाद शाम को फिर वही खाना खाया, 8 बजे नींद आई, कंफर्टेबल है, क्या मजेदार लाइफ। हर कोई इसके लिए तो जी रहा है, हर किसी को यही तो चाहिए। बट पता है क्या होगा फिर उसके बाद, जब बापू भोजनालय बंद हो जाता है, बापू भोजनालय जानते हो, पापा का दिया हुआ खाना खाना या पापा की बनाई हुई रसोई में से खाना बन के आना या पापा के लाए हुए बर्तन में खाना, दैट इज बापू भोजनालय। तो बापू भोजनालय लंबे नहीं चलते, अपना भोजनालय खोलना पड़ता है। फिर एक दिन वही बच्चा जो है ना जिसने मजे मारे, एक दिन वो रियल लाइफ में आता है, घर से बाहर निकलता है, तब वो देखता हो ओ मंगलियो साइंटिस्ट बन गो, ओ बुरा रखो, अरे मेरे को पता ही नहीं मैं तो अंदर था। जब वो दुनिया देखता है ना फिर पता लगता है मैं कितना पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया। इजी गोइंग सब कुछ नहीं मिलता। एक छोटा सा एक और बता दूं आपको, कहते एक बार ना एक टीचर होते हैं, टीचर जो है ना अंडे में से जो है ना प्यूपा में से या अंडे में से कहते, चलो अंडे में से एक लार्वा बाहर आने के बारे में बता रहे थे कि दैट इज द एग, एंड आफ्टर सम टाइम ए लार्वा विल कम आउट फ्रॉम दैट एग, ऐसे बोल रहे थे। अब इतने में टीचर को कोई काम हो गया तो प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया, किसी ने बुला लिया तो वो चले गए, लेकिन वो जाते टाइम ये बोल के गए थे कि इसको सिर्फ देखते रहना कैसे बाहर निकलना है, छेड़ना नहीं है, टच नहीं करना है। अंडे में से मान लो जो भी है निम्प निकल रहा है, मान लेते छोटा बच्चा निकल रहा है, लार्वा छोड़ो निम्प निकल रहा है, और वो बहुत परेशान हो रहा है बेचारा, निम्प ना ही वो जोर लगा रहा है अंडे के जो है ना सेल को तोड़ रहा है पूरे ऊपर के आवरण को, तो बच्चों को बहुत कष्ट हुआ उसको देख के, बहुत पीड़ा हुआ। तो एक बच्चे को दया आ गई उसको, उसने क्या किया ऐसे उस अंडे को तोड़ के और उस निम्प को या शिशु को बाहर निकाल दिया, थोड़ी देर में मर गया, मर गया बेटा। फिर टीचर वापस आए तो बोला क्या हुआ, बोला सर कुछ नहीं, क्या ज्यादा ही परेशान हो रहा था तो ना इसने मोहित ने ना इसको निकाल के बाहर रख दिया। तो टीचर ने कहा बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने ना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रोक दिया, क्योंकि ये अपने आप निकलता तो ये संघर्ष करता, ये थोड़ा हिम्मत करता, ये एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को डालता, आपने इसकी लाइफ को ना इजी बना दिया, निकाल के ऐसे रख दिया, इसलिए मर गया। क्योंकि वो जो एक हार्डनिंग वर्ड बता रखा मैंने बच्चों को कि जैसे बायोटेक में कोई चेप को प्लांट्स को तैयार करते हैं तो सीधा खेत में नहीं लगाते, नहीं तो लगाते ही मर जाएंगे सारे पौधे, मर जाएंगे, पहले प्रोसेस से निकालना पड़ता है, जो कहा जाता है हार्डनिंग, थोड़ा सा नमक के गोल में रखते हैं उनको, थोड़ा सा हल्की फुल्की गर्मी में रखते हैं, थोड़ा ठंड में रखते हैं, तो वो क्या बाहर के एनवायरमेंट, क्योंकि वो पहले लेब में बने होते हैं, लेबोरेटरी में बने हुए बायोटेक्नोलॉजी के जो प्लांट्स होते हैं, बायोटेक से जो बनते हैं या टिश्यू कल्चर से बनते हैं, बायोटेक में भी टिश्यू कल्चर से बनते हैं, उनको अगर आपने सीधा ले जाके बाहर रख दिया ना बेटा तो लगेंगे नहीं पेड़, जल जाएंगे जाते ही। तो पहले क्या करना पड़ता है उनको, एक प्रोसेस से निकालना पड़ता है, दैट इज हार्डनिंग, उनको हार्ड बनाया जाता है। तो सेम कहानी उसके साथ, अंडे से जो निम्प निकल रहा था, जो लार्वा निकल रहा था ना, उसको संघर्ष करना जरूरी था, उसको लड़ना जरूरी था, उसको पूरी हिम्मत लगाना जरूरी था, तब जाके उसके अंदर वो हार्डनिंग आती है और वो मरता नहीं एनवायरमेंट में।
लेकिन कंफर्टेबल। सेम कहानी अपने साथ है। अगर मम्मी और पापा ने जैसे एक 15 दिन पहले कुछ आए थे सर, मैं भूल गया उनको, वो कह रहे थे कि गुजरात के जो आज गुजरात जो है ना बेटा, इंडिया की इकोनॉमी को अकेला गवर्न करता है, ध्यान आपको, अरे इंडिया में जितना लगभग पैसा उतना गुजराती के पास अकेलों के पास, जितना इंडिया में पैसा उसका लगभग, मतलब हो सकता है 10-5% का फर्क हो, इन मोस्ट जो इकोनॉमी है ना वो गुजरात से गवर्न होती है, लाइक मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब गुजरात के हैं। तो कहते कि गुजरात में अगर बेटा अपने बाप का बिजनेस ही संभालता है तो पहले पिता उसको डायरेक्ट बिजनेस नहीं संभाल देते नहीं, उसको उसको कहते बेटा जा, एक मैंने खुद ने अखबार पढ़ाई थी, 7,000 रुपीज जेब में डाल के बोला जा, इनको तो वापस लाके देना है कम से कम, ज्यादा ले आए तो बहुत अच्छी बात है। अब वो बेचारा जा, जिसके खुद के करोड़ों अरबों रुपए पड़े, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, वो लड़का अपने घर से 7,000-5,000 जेब में डाल के निकल जाता है और किसी और के यहां नौकरियां करता है बेटा, वो नौकरी करता है, फादर बोल के बेचते, भूखे मत मरना, भूखे मरने की डोपत आ जाए तो कॉल कर देना, बाकी तेरे खुद को ही अपना काम चलाना है, और इन 7,000 को कितना बना के लाएगा वो इंपॉर्टेंट है तेरे जीवन के लिए। वो लड़का बेचारा किसी के यहां नौकरी करता है, ये तो सब जगह है, कई कंट्रीज में तो आर्मी कंपल्सरी है कि बच्चा आर्मी में जाएगा ही, चाहे कोई हो, वो आर्मी में 5-4 साल रहेगा, उसके बाद ही आके अपनी लाइफ को जिएगा। अब सेम कहानी गुजरात में यही चलता है, गुजरात या एक मैं किसी समुदाय का मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, एक सिंधी समुदाय होता है बेटा एक अपने यहां, उसमें भी ऐसे होता है कि वो अपने लड़के को ना डायरेक्ट अपनी दुकान पे नहीं बिठाते, अपने बिजनेस में डायरेक्ट नहीं लेते, पहले उसको बोलते जा बाहर जा। अब 5-5-7 साल वो किसी की फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, किसी की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बेटा जब वो वापस आते हैं ना तो सारी दुनियादारी समझ के आते हैं, वो एक योद्धा बन के आते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन करके आते हैं और उनकी कंपनी और भयंकर ग्रो करती है, वो सीधा किसी को डायरेक्ट जो है ना सीधा कंपनी नहीं संभालते, चाहे वो कोई भी हो, अंबानी परिवार भी ऐसे करता है, क्या मानोगे आप इससे, उनके बच्चे बच्चे बेटा किसी के यहां कई दिन तक किसी के यहां नौकरी करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए गुजरात इंडिया की इकोनॉमी को गवर्न करता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कंफर्ट नहीं देते बेटा, ठीक है जब पढ़ रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही संभालने की बात आई ना उसके बाद में बेटा ये करना है कि तेरे को अपने दम पे ये करके दिखाना है, इसीलिए वो बहुत बड़े आज उद्योगपति है, कॉरपोरेट है ना, बड़े घराने हैं, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, वो कंफर्ट जोन में नहीं रखते बच्चों को कि जा अपना संघर्ष खुद कर और जब सफल हो जाए, अच्छा आ जाए तेरे को तो आ जाना वापस। तो ये जो कंफर्ट जोन है बेटा इससे बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट के युग आता नहीं होगा, आराम, आराम का जो लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं, मतलब मस्त लाइफ जिंदगी, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा बेटा। ये ट्रेनिंग है आपका, ये पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने का भी ट्रेनिंग है, दूसरे लोगों से कितना जीवन में संघर्ष हो सकता है वो सिखाने का भी ट्रेनिंग है। राजधानी के हॉस्टल में जो बच्चा 1 साल या 2 साल रह जाता है ना, अंडरवर्ल्ड वाले भी उससे कांपने लग जाते हैं, पहले दिन तो गया तब तो हो सकता है अंडरवर्ल्ड वाले भी डोल को ऐसे प्रणाम कर रहा होगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद में वो सारे के सारे उसके चरणों में बैठे होते हैं, इतना स्ट्रोंग हो जाता है बेटा, इतना संघर्ष सीख के जाता है, इतनी दुनियादारी सीख के जाता है, इतनी अच्छाई सीख के जाता है कि वो लोग भी उसके चरणों में आके बैठ जाते हैं, दादा तू ही है जो, जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में कामयाब होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिजनेस आइकन है बेटा, इसी आपके हॉस्टल में जिस कमरे में आप रहते हैं उसी कमरे में रहा हुआ बच्चा बहुत बड़ा बिजनेस मैन आज, खूब सारे बच्चे, क्योंकि वो और साधारण परिवार से, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था बेटा, घर पे कच्चा घर था, कुछ नहीं था, लेकिन आज बिजनेस आइकन है बेटा, लोगों के लिए मिसाल है, जिस कमरे में तू रहता ना उस कमरे में कभी वो आज का साइंटिस्ट उसी कमरे में रहता था, आज का जो प्रोफेसर वो तेरे कमरे में रहता था, तेरी जगह पे रहता था, उसी बेड पे सोता जहां तू सो रहा है, क्योंकि ये केवल पढ़ाई के लिए नहीं बेटा, आपकी जीवन जीने के लिए भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे लोग कमांडो बनाते हैं ना वैसे आपको कमांडो जैसी ट्रेनिंग मिल रही है, कमांडो बनाया जा रहा है, इजी गोइंग नहीं चाहिए जिंदगी, इजी गोइंग अपने आप हो जाएगी बेटा, इस समय अगर आप योद्धा की तरह लड़ेंगे ना बेटा, अपने आप को मतलब मजबूत बनाएंगे तो आने वाला समय आपका है बेटा, आने वाला समय आपका है, 2 साल 5 साल 7 साल बाद में बादशाह है बेटा,
राजा है, फिर कंफर्टेबल लाइफ आ। जिंदगी पर ऐसा संघर्ष नहीं करना है, आने वाला समय केवल और केवल आपका है, बशर्ते कि अभी आप अपने आप को पूरी तरह से इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व करके एक कमांडो की तरह बहुत कुशल बनाते हैं, अपने आप को बहुत ताकतवर बनाते हैं, बहुत हिम्मत वाला अपने आप को बनाते हैं, आने वाला समय आपका है। तो लड़ेंगे और जीतेंगे, हार नहीं मानूंगा, कहीं से आए हैं कहीं जाना है, कहीं से आए हैं कहीं जाना है, बीच का कुछ समय धरती रूपी टापू पर बिताना है, लेकिन जो समय धरती रूपी टापू पर बिताना है उसको दुनिया के लिए मिसाल बनाना है, कुछ अच्छा करके जाना है।